हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने जो है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, उसके बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल में एंजाइम्स अप्लाई करके उसे डाइजेस्ट करके हमारे डिजायर्ड डीएनए को चिल्ड इथेनॉल के ट्रीटमेंट देके उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। अब हमने हमारे डिजायर्ड डीएनए को सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने के बाद आगे हम स्टडी करेंगे कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। हम हमारे डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करेंगे। ये जो है हमने जो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें भी देखा था कि कटिंग डीएनए किससे होता है, तो वो होता है हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से हम डीएनए को कट कर सकते हैं। कट करने के बाद हम जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड की हेल्प से हम हमारे डिजायर डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में था कि हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड अट्रैक्ट होगा, तो हमें हमारे डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट की एक शॉर्ट फ्रेगमेंट मिलेगी जिसे हम जो है एल्यूशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। देन अब हमें हमारा डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट मिल गया है, ओके, एल्यूशन प्रोसेस के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट प्लस वेक्टर, ओके, तो अब क्या होगा, तो हमारा डिजायर डीएनए जो है वेक्टर के साथ अटैच होगा। तो अटैच होने के लिए लाइगेसिस एंजाइम्स क्या करता है, तो लाइगेसिस एंजाइम्स जो है वो जॉइनिंग करने का काम करेगा वेक्टर एंड डीएनए फ्रेगमेंट को। ये हमारा डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट है, ओके, और ये हमारा वेक्टर है, तो ये दोनों को लाइगेस एंजाइम्स क्या करेगा, तो लाइगेस एंजाइम्स जॉइन करेगा, ओके। तो ये आगे भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हमें हमारा जो ये डिजायर डीएनए मिल गया है, ओके, अब हम क्या करेंगे, तो अब इसे हम हमारे जो भी होस्ट है उसके अंदर डालेंगे, बट हम सिर्फ एक ही होस्ट में तो नहीं डाल सकते, हमें इसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए। ओके, तो बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। यानी कि अब नेक्स्ट हम करेंगे हमारा थर्ड पॉइंट कि पीसीआर मेथड की हेल्प से हम करेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि बहुत सारे डीएनए की कॉपी हम बना सकते हैं। तो पहले पीसीआर मेथड क्या है वो जान लो। तो पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड है ये। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड की हेल्प से हम डीएनए की जो हमारे डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट है वेक्टर के साथ इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, तो उसके बेसिक स्टेप है, ओके, तो बेसिक स्टेप में क्या है, तो फर्स्ट स्टेप है स्टेप वन कि हमारा जो डिजायर डीएनए है, समझो कि ये हमारा एक डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट है, 5' to 3' एंड 3' to 5', ओके। तो अब फर्स्ट स्टेप में हम डीएनए को डीनेचुरेशन प्रोसेस से पास आउट करेंगे। डीनेचुरेशन प्रोसेस यानी कि
हम हमारे ये जो डीएनए है उसे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे. हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा? तो उसकी वजह से हमारे ये जो डीएनए है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. 5 प्राइम टू 3rd प्राइम एंड 3rd प्राइम टू 5 प्राइम, दोनों एक पहले एक फ्रैगमेंट है, मैंने आपको बताया ना कि टू स्ट्रैंड इस तरह से एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है. तो अब क्या हो गया, तो डीनेचुरेशन की वजह से ये स्ट्रैंड और एक दूसरे से सेपरेट हो गई है. क्लियर है? अब आगे क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप इज, अब सेकंड स्टेप है स्टेप टू है एनालिंग. एनालिंग में क्या होगा, तो अब आप देखो यहां पे एनालिंग में जो है प्राइमर ऐड किया जाता है. ये प्राइमर्स क्या है, तो प्राइमर्स इज अ शॉर्ट ओलिगो न्यूक्लियोटाइड जो कि ऑलवेज 3 प्राइम के OH ग्रुप के साथ ही अटैच होता है. ओके, तो एनालिटिक प्रोसेस में प्राइमर ऐड किया जाता है. तो प्राइमर क्या है, शॉर्ट ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये वन काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड की शॉर्ट सीक्वेंस है जो कि हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके बनाई होती है. ओके, तो ये शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो 3 प्राइम OH ग्रुप के साथ अटैच होगी. अब प्राइमेज एंजाइम्स यहाँ पे इसे अटैच करेगा. कौन सा एंजाइम्स प्राइमर को अटैच करता है, प्राइमेज एंजाइम्स. अब ये जो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गई है, अब यहाँ से फर्दर इसका सिंथेसिस स्टार्ट होगा, यानी कि इस तरह से अब वो नई फ्रैगमेंट बना देगी. तो वो कैसे बनाएगी, तो यहाँ पे जो हमने दो डीएनए सेपरेट की थी, अब इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने प्राइमर डाल दिया. अब आगे सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो डीएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट आपको पता है ना, हमने 11th में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में स्टडी किया था. तो न्यूक्लियोटाइड से हम रिएक्शन में न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हैं. अब ये न्यूक्लियोटाइड तो ऐड कर लिए, बट आगे इसे सिंथेसाइज क्या होगा, तो जॉइन करने के लिए यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज़ ये न्यूक्लियोटाइड को आगे सिंथेसाइज करने के लिए यहाँ पे वर्क करेगा. हमारा नेक्स्ट एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज़, बट यहाँ पे यूज होता है स्पेशल एंजाइम्स टेक डीएनए पॉलीमरेज़. तो ये टेक डीएनए पॉलीमरेज़ क्या है, तो टेक डीएनए पॉलीमरेज़ ये जो है, टेक डीएनए पॉलीमरेज़ ये यहाँ पे टेक फॉर टी फॉर थर्मस एंड क्यू फॉर ए एंड क्यू फॉर एक्वेटिकस. ओके, तो यहाँ पे जो एक टेक डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम्स ऐड किया जाता है, ये डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम्स थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया गया था जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है. तो ये टेक डीएनए पॉलीमरेज़ यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रैंड करने में हमें हेल्प करेगा, जो कि 5 प्राइम टू 3rd प्राइम एंड 3rd प्राइम टू, यहाँ से क्या है 3rd प्राइम टू 5 प्राइम. इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज़ प्राइमेज़ ओके
लाइगेज जैसे एंजाइम से आप वर्क करेंगे और हमारे नई जो स्ट्रैंड बना के देंगे। अब क्या होगा, तो उसके बाद थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। ओके, एनालिन में ये सारे क्या हुए, हमने ऐड किए थे कि एक्सटेंशन में क्या होगा, तो एक्सटेंशन में ये कंप्लीटली बन जाएंगे। उसके बाद ये कितनी बार ऐसी कंप्लीट स्ट्रैंड फाइव टाइम टू थर्ड टाइम टू फाइव टाइम वापस फाइव टाइम टू थर्ड टाइम एंड थर्ड टाइम टू फाइव टाइम ऐसी कंप्लीट जो सीक्वेंस बन जाएगी। ऐसे एक स्टेप यहाँ पे आ गया आपका स्टेप थ्री, ध्यान रखना स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री ये है पीसीआर। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यहां से वन से लेके टू तक एक साइकिल में वो यहाँ पे एक बार हुआ ऐसे 30 टाइम वो रन करती है। ओके, तो एक ही टाइम में आप सोचो कि वो 30 टाइम करती है तो इसकी कितनी सारी सब कॉपीज मिल जाएंगी। तो इस तरह से हम ये साइकिल को वापस रन करेंगे तो बहुत सारे टर्न हम लेंगे, तो हम मिलियंस ऑफ कॉपीज एम्प्लीफाई कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। क्लियर? ओके, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो स्टडी कर लो। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसमें हमें प्राइमर्स चाहिए, शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड यानी कि प्राइमर्स चाहिए, टैग डीएनए पॉलीमरेज, टैग यानी कि टैग स्टैंड फॉर थर्मस एटलेटिकल्स जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, उसमें से ये एंजाइम्स मिला गया है और ये एंजाइम्स क्या करता है, प्राइमर्स अटैच होने के बाद हमारे न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होते हैं इसे आगे सिंथेसाइज करके एक कंप्लीट स्ट्रैंड बना के देते हैं और ये साइकिल वापस रन होती रहेगी। के तो हमें बहुत सारी पहले एक रिएक्शन में वो 30 टाइम्स रन होती है, तो इस तरह से हमें बहुत सारी कॉपीज मिल सकती है। क्लियर है? तो आपको अब एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर, तो पीसीआर क्या है क्लियर है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके थ्री बेसिक स्टेप। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।